हे व्हाट इज अप गाइस, वेलकम टू ए न्यू वीडियो ऑफ क्लैश ऑफ क्लैन। गाइस आज हम आ चुके हैं क्लैश ऑफ क्लैन के एक अपडेट के बाद। ज़्यादा बड़ा अपडेट नहीं था, कुछ नया चीज़ आ चुका है हमारे क्लैश ऑफ क्लैन में। एक नया चीज़ में है वॉरियर किंग का स्किन। लूनार फेस्टिवल आ चुका है, तो लूनार फेस्टिवल में हमें क्या मिला है? एक वॉरियर किंग। पिछली बार आया था वॉरियर क्वीन का, आज आ चुका है एक वॉरियर किंग जो बहुत ही खतरनाक है। उसके साथ आ चुका है एक नया ब्रांड न्यू सिनारी, हॉग माउंटेन सिनारी। बहुत ही खतरनाक वाला एक सिनारी आ चुका है, और उसी के साथ बहुत सारे इवेंट आ चुका है। 1 जेम डोनेशन आ चुका है, जो अब तक हम लोग सिर्फ गोल्ड पास में अवेलेबल कर सकते थे, वो अभी नॉर्मली आ चुका है। 5 दिन 17 आवर्स के लिए, ऑलमोस्ट 6 दिन ही हो गया है। और विल पावर फैलकरी का एक इवेंट आ चुका है, कंप्लीट करने पे मिल जाएगा एक रिसोर्स पोर्शन, और उसके साथ साथ 400 XP, बहुत ही खतरनाक वाला। जायंट का भी आ चुका है, और 5 वॉल रिंग भी मिल जाएगा उसके साथ साथ 400 XP, ये भी बहुत ही खतरनाक है। और गाइस गाइस गाइस, उसके साथ आ चुका है एक और नया चैलेंज। विंटर चैलेंज हमने कंप्लीट किए थे, विंटर चैलेंज के बाद ये सेकेंड चैलेंज है। सुपर सेल ने पूछा था कैसा है कम्युनिटी पोस्ट में, और सभी ने बोल दिया था कि दिस इज़ ए वेरी वेरी इम्प्रेसिव मूव बाय सुपर सेल। क्योंकि मतलब बहुत सारे बेसिस रहते हैं जिन्हें मैक्स किंग क्वीन नहीं रहता, वो भी फील कर सकते हैं कि मैक्स किंग क्वीन कैसा हो सकता है, उसके बाद वो प्रोग्रेस कर सकते हैं। ये बहुत ही सही मुझे भी लगा ये वाला, हर सीजन में अगर आ जाए तो मज़ा ही आएगा। अगर हम अभी कंप्लीट करते हैं तो मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ, वही मैं दिखाने वाला हूँ। तो क्या मिलेगा हमें? 2 बिल्डर पोर्शन, 15 जेम्स और 400 XP। चलो एक अटैक में चलते हैं, तो ये वाला कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे जो बेस है, तो सिनारी तो आपको पता चल ही रहा है, हॉग माउंटेन सिनारी, बहुत ही खतरनाक सिनारी आ चुका है। और बेस उतना खास ज़्यादा कुछ नहीं है बेस में, ठीक है, 4 सिंगल टारगेट इन्फर्नो है। बट सबसे खतरनाक चीज़ है ये कुछ याद आया? लिटरली कुछ याद आया? गॉब्लिन मैप्स एकदम लास्ट वाले चैलेंज में ये भाई साहब है। गॉब्लिन मैप्स पे यहाँ से क्या निकलता है? हमारा जायंट ड्रैगन, ये है हमारा जायंट ड्रैगन का हार्ट। तो हम अगर अटैक में जाएंगे तो जायंट ड्रैगन निकलेगा जो हमें स्ले करना पड़ेगा। उसके साथ साथ बहुत सा कुछ इलेक्ट्रो ड्रैगन निकलेगा, नॉर्मल ड्रैगन निकलेगा, कुछ बैट स्पेल भी निकलेगा, बहुत ही खतरनाक होने वाला है। तो हमें ट्रूप ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है, 5 हॉक 5 लून, 6 गॉबलिन और हीलर्स। मतलब ये बेस सिर्फ मैक, मतलब जो मेन है वो क्वीन क्यूसी है। क्वीन चार्ज तो नहीं होगा, वॉल ब्रेकर नहीं है, क्वीन वॉक करवा के पूरा बेस, टाइमर का कोई सीन नहीं है। तो हमारा प्लान क्या रहेगा? पहले क्वीन 6 o'clock छोड़ेंगे, तो यहाँ पे क्वीन को छोड़ दिए, हीलर्स दे देते हैं। अभी क्वीन ओपोनेंट क्वीन को ले लेगी, एक रेज देना पड़ेगा, हमारा क्वीन काफ़ी लो हो चुका है, एक रेज हमने दे दिया है क्वीन को, ठीक है। अभी चल रहा है, अभी इनविजिबल स्पेल क्वीन के ऊपर, बहुत ही खतरनाक वाला इनविजिबल स्पेल आ चुका है क्वीन के ऊपर। जो हॉग्स है, हॉग्स इन हिरन टेस्ला, सॉरी सिंगल टारगेट इन्फर्नो को ले लिया है हमारे लिए, जो बहुत ही खतरनाक बात है। अभी एक क्वीन का एबिलिटी दे देता है, एक और इनविजिबल स्पेल देंगे क्वीन को, एक रेज भी दे देंगे। बहुत ही खतरनाक सीन चल रहा है यहाँ पे, एक फ्रीज दे देते हैं, एक और इनविजिबल स्पेल आई थिंक देना पड़ेगा, कुछ भी नहीं कर सकते। तो ड्रैग आ जाओ, आ गया, ठीक है, आ चुका है, बहुत ही खतरनाक वाला सीन। तो यहाँ से 5 ड्रैग यहाँ पे रेज दे देंगे, और वार्डन एबिलिटी, चलो सिंगल टारगेट इन्फर्नो तो आ चुका है। किंग को इस तरफ छोड़ देते हैं,
जो किंग है वो अपना काम कर लेगी, खतरनाक वाला काम। वार्डन हमारा जा चुका है, फ्रीज आई थिंक देना पड़ेगा, बट हम वेट करेंगे फ्रीज के लिए, है ना। फ्रीज देना नहीं पड़ा तो काफी सही है, अभी तक क्वीन जिंदा है, जो हमारे लिए तो बहुत ही खतरनाक वाली बात हो गया। तो आरसी का एबिलिटी दे देते हैं, एक फ्रीज है, फ्रीज को दे देते हैं, और गॉब्लिन्स है, गॉब्लिन्स में किंग को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मैं दे रहा हूँ। दो फ्रीज अभी भी हमारे हाथ में है, ये अटैक तो इजीली, बहुत ही इजीली 3 स्टार हो गया है। आई डोंट थिंक एक फ्रीज यूज कर लेते हैं, चलो टाइम का कोई सीन नहीं है नहीं। तो किंग भी यहाँ पे मर चुका है, एक फ्रीज इनके ऊपर दे देते हैं हम। जायंट ड्रैगन का हट को फ्रीज कर चुके हैं, हालांकि उससे कुछ फायदा नहीं होगा, बट फिर भी भाई साहब, जायन बॉम्ब के ऊपर जायन बॉम्ब, चार चार जायन बॉम्ब यहाँ पे, अगर हॉक छोड़ोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, क्या ही खतरनाक है। क्वीन और आरसी के साथ ये वाला 3 स्टार हो चुका है। ऐसे आप ये वाला सेम स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो, बहुत ही इजी है। जो इनविजिबल स्पेल है उसे थोड़ा सा मतलब देख के छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद बेस में बचेगा नहीं कुछ, बहुत ही खतरनाक वाला है। तो अभी तक इस वीडियो में इतना ही, अगर मुझसे बातें करना है, मुझसे जुड़ना है, तो गाइज यू कैन ज्वाइन माई स्ट्रीम, मैं हर रोज स्ट्रीम में आता हूँ, इवनिंग 8 o'clock स्ट्रीम में आ सकते हो, बातें कर सकते हैं। और थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, जो भी ज्वाइन हुए हो स्ट्रीम में उनको शुक्रिया, जो भी वीडियो देख रहे हो उनको भी शुक्रिया। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सी यू इन नेक्स्ट स्ट्रीम, थैंक यू, टिल देन बाय बाय।